guys, welcome back to my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं माय सिस्टर डज माय मेकअप चैलेंज। वैसे तो मेरे को नहीं आता करना, फिर भी हम आप कोशिश करेंगे। हमने चूज तो मतलब ऑप्शन तो ऐसे ऐसे लिया मैंने, बट देखते हैं कि मतलब मैं कर पाती हूँ या नहीं। एंड मैंने तीन लिए हैं, बट मैं उनमें कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा लूँ। पहला जो है ये है येलो और पिंक का कंट्रास्ट। एक मिनट फोकस डाल के दिखाती हूँ, ये है। और ये मैंने देखा है कि मतलब कर सकती हूँ मैं, बट और सेकंड मैंने जो देखा है वो है ये बहुत ही प्यारा बार्बी डॉल टाइप, ये वाला मेकअप बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जो थर्ड है ये थोड़ा शिमर लुक में है, पार्टी लुक में। बट अब मैं कंफ्यूज हूँ कि तीनों में से कौन सा लूँ। ये अप टू हर है कि इसको कौन सा चूज करना है, आई विल नॉट टेल हर। तो मैं सोचूंगा इसकी मैं थर्ड वाला, सेकंड वाला करूँ, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई करते हैं। वैसे तो इजी ये वाला था ज्यादा, बिकॉज इसमें सिर्फ पिंक एंड येलो का कंट्रास्ट है। चलो डिफिकल्ट भी अच्छा होता है, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं, कोई बोरिंग तानी हम दिखाएंगे। चलो मेकअप हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये वाला मेकअप लुक करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने दिखाया था। एक मिनट फोकस नहीं आ रहा, और कुत्ते भाग रहे हैं। ये वाला मेकअप करने वाली हूँ, दोबारा देख लो आप। सो इतना जज मत करना, क्योंकि मेरे को मेकअप सच में नहीं आता है और मैंने इतना डिफिकल्ट चूज कर लिया। फिर भी हम अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं ये करूँ। सो सबसे पहले मैंने इसके फाउंडेशन थोड़ा सा यहाँ लगा दिया है, और थोड़ा सा यहाँ ब्लेंड कर दिया है। तो शुरू करते हैं। एंड इसके साथ साथ आप बोर ना हो जाओ, तो हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आप सब लोग सोचते होंगे हमारे बारे में, हमसे चाहते होंगे पूछना, तो हम खुद ही कर लेते हैं। हाँ, तो हम खुद ही आंसर करेंगे क्वेश्चन। मैं पूछूंगी, फिर हम दोनों अपना अपना ओपिनियन देंगे उस पर। तो फोन यहाँ रख लेते हैं, राइट, ठीक है। मेकअप भी आ जाएगा, सो स्टार्ट करते हैं। इधर करती, ओल्डर यंगर सिबलिंग। तो जैसा कि आप सबको पता है मैं ही बड़ी हूँ। हु इज द ओल्डर का मतलब कौन हम दोनों में से बड़ा है, तो मैं बड़ी हूँ। जिनको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ मैं बड़ी। मेरी नाम थोड़ी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट योर सिबलिंग? तू बता। अच्छा लगता है। कुछ गलत बोली तो मुंह तोड़ दूंगी। और एक कुत्ते दिमाग खराब, ये वीडियो अच्छी बनाती है, अच्छा लगता है, मतलब डांस वीडियोस तो वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं अच्छा लगता। नहीं चल, मैं बताना है तो फिर मैं बता देती हूँ, क्या बताऊँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे इसके बारे में। ऐसे तो मुझे भी लगता था, फिर भी मैंने कुछ बोला। ये दिखा, तो मुझे इसके बारे में ये अच्छा लगता है कि मैं आराम से मार खा रही। मुझे इसके बारे में ये अच्छा लगता है कि क्या ठीक आंसर ही नहीं आ रहा, कि ये थोड़ा अच्छा डांस कर लेती है, ठीक है, मतलब कर लेती है। मैं ज्यादा तंग नहीं करती, ये नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं। तंग वाला तो सवाल अलग है, किसी दिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मुझे इतना परेशान करते हैं, मुझे इतना मुश्किल से सिखाती हूँ ना मैं इसको डांस,
मुझे ही पता है कि मैं कैसे सिखाती हूँ, पर गाइस मैं कैच जल्दी कर लेती हूँ। कोई कैच नहीं करती, बोल रही है जो सच नहीं है वो बोल रही है। चलो ऑन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ गाइस, पूछती नहीं मतलब देखते हैं। What annoys you about your sibling? ये तो बहुत सारे हैं, ये तो गिनती में भी नहीं आते। What annoys का मतलब कि क्या आपको सबसे गंदी बात लगती है? नहीं, बहुत जो परेशान करती है। मुझे ये परेशान करती है, ये मेरी बात नहीं सुनती है, ये मेरी थप्पड़ मार देती है, ये मेरा आइडिया नहीं लेती। और मुझे इसकी एक बात जिसकी बहुत पसंद लगती है कि बहुत ज्यादा दिमाग खाती है, बहुत तमीज तो बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, तमीज तो इसने सब फेंक रखी है। एंड बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी आज के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो फाउंडेशन हो चुका है, नाउ वी विल टेक व्हाट डू यू And your sibling have in common? हम दोनों को क्या ज्यादा पसंद है? नहीं कॉम मतलब क्या हुआ, दोनों की कोई सेम कॉमन कोई बात सेम सेम कॉमन तो कॉमन चीज हमारी कि हम डांस अच्छा करते हैं दोनों। नहीं ये हमें सब कहते हैं, कॉमन चीज वो बतानी कि हमारी कभी कभार थोड़ी थोड़ी चीजें मैच हो जाती है, मतलब हमारी जो हम चीज को चूज करते हैं वो कभी कभार हम मतलब नहीं डांस अच्छा करते हैं बस ये मेरे को हाँ, कॉमन है। चलो अब गाइस मैं करने वाली हूँ इसकी आई शेडो, मैं एक पैलेट आपको दिखा देती हूँ, गाइस ये वाली जो पैलेट है ये मैं ऐसी उठा लाई थी, इसका कोई रीजन नहीं था उठाने का, मैं ऐसी उठा लाई, बट इसमें कलर अच्छे थे। और ये है और एक और ये है, ये क्लेटोगी है, एक मिनट का इस लाइट आई है। तो अब हम आई शेडो करने वाले हैं, तो हमारे पास एक है काइली की पैलेट जो कि मेरी पैलेट और पूरी तरह तोड़ रखी है। गाइस ये टूटी हुई मिली थी हमें जब बाद में देखा, गलत ये व्हाइट वाला मैंने पानी डाल के हल्का सा सेट किया है वो, क्योंकि ऐसे पूरा बिखरा हुआ पैलेट इसने पूरी खराब कर दिया। अरे वो व्हाइट कलर में और एक है हमारे पास हुडा की, हुडा की है ये वाली। एंड अब मैं एक है हमारे पास ये निया, ये क्या दिखा है नाइन, ये ऐसे ही है, ये हमने मैंने ऐसे उठा ली थी, इसका इसमें शेड बहुत अच्छे अच्छे थे थोड़े ग्लिटरी ग्लिटरी। चलो शुरू करते हैं, चुप रहे ब्रश तो ले लें, विच इज इम्पोर्टेंट इनमें ही है शायद। स्टार्ट करने वाली हूँ, सो स्टार्ट करते हैं, वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल सा लग रहा है, डिफिकल्टीज आंख दिखाई, आंख दिखाई टाइम क्वेश्चन पूछते हैं जब तक के लिए। इन विच एरिया यू एंड योर सिबलिंग दी कंप्लीट ऑपोजिट, ये नहीं मुझे समझ आया, दूसरा पूछ रहे मुझे नहीं समझ आया। Who keeps their room and home clean? मैं झूठी मैं किचन क्लीन रखती हूँ और कुछ तुमने देखना नहीं है शिशा, ऐसी बात थी क्या मुझे तो पता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं किचन क्लीन रखती हूँ, ये घर क्लीन रखती है वो भी, मैं गंदे नहीं मचाती ज्यादा। Who watches more TV? तू देखती है पूरा दिन, अभी भी इतनी बड़ी हो गई और कार्टून देखती है। डोरेमोन गाइस, डोरेमोन कौन देखता है? मैं देखती हूँ, नहीं मेरा फेवरेट है डोरेमोन,
डोरेमोन डोरेमोन वो नोबिता मुझे बहुत अच्छे लगता है उसके एक्ट में. Who takes longer to their hair? ये यही येलो कलर तो है ही है. Oh, sorry guys, येलो कलर नहीं ये यूज कर ली. इसको और इसको मिला के देखा जाएगा. येलो कलर नहीं था अभी हमें रियलाइज हुआ है तो हम गाइस मेकअप लुक चेंज कर ली. गाइस मेकअप लुक चेंज करना पड़ेगा. हम अरे हो जाएगा गाइस ऐसी कुछ बात नहीं है. हम करेंगे करके ही रहेंगे. तो हमें बहुत पसंद हल्का सा थोड़ा चेंज आएगा बट बता who takes longer to do their hair. ज्यादा लंबा क्यों कौन लेता है अपने हेयर को करने के लिए. गाइस मैं लेती हूँ ये बहुत जल्दी बना लेती हूँ अपने बाल. मैं बनाती ही नहीं ये ज्यादा बना. मैं घर पे रहती हूँ मैं बाल क्यों बनाऊ है ना. कमेंट करना जो घर पे रहते हो बाल नहीं बनाते. सो गाइस मेरे को वीडियो वगैरह बनानी होती है तो मैं बाल अच्छे से मेरे को टाइम लगता है इसलिए मैं करके रखती हूँ. अच्छा लगता है. What's your sibling biggest talent? इसका biggest talent ये है कि editing करती है और इसका ये vlogging करती है भाई. हम दोबारा बार बार इधर इधर करके मेकअप के लुक पे जा रहे हैं. Does your sibling? Guys, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना एक अलग से लुक क्रिएट करूँ. मैं उसको नहीं कर रही मैं नया सा बनाती हूँ थोड़ा. So guys, अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं. खोलो. मैंने आपको जैसे बताया मैं अपना अब अपना एक अपना लुक क्रिएट करूंगी बिकॉज उसके हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं है. मैंने अब देखा तो हम अपना लुक मैं अपना एक तरह का लुक बट उससे जैसा ही होगा थोड़ा. सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ. हाउ मच टाइम यू स्पेंड टुगेदर. मोस्टली पूरा दिन तो हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं साथ में. मोस्टली रात को. हाँ रात सुबह शॉप पे चली जाती है. मैं घर पे रहती हूँ. रात को थोड़े टाइम के लिए मतलब फिर तो सोते ही है. हाँ रात शाम भी तो होती है भाई. हाँ शाम को 5 बजे के बाद हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं मतलब ठीक है. सो गाइस ये था अभी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं एंड मेकअप कर रही थी. हाँ अब आप मेकअप देखो मैं कैसे करती हूँ. और अगली वीडियो अगर हम ऐसे करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन हम उस वीडियो में कर लेंगे थोड़े बहुत. गाइस हम थोड़ा लाइट से करें. हाफ मेकअप हो गया इसका. अभी ये थोड़ा टच अप दे दिया. गुड तक जी. तो इतना हो चुका है एंड अब मैं थोड़ा सा फाउंडेशन से ठीक कर दूंगी. आरा फाउंडेशन पिया आराम से बैठ जाओ ना. दोबारा से फाउंडेशन से हम ठीक करेंगे फेस
थोड़ा सा आई शेडो की वजह से थोड़ा सा ये अफेक्ट हुआ है, क्योंकि वो आई शेडो झड़ता है ना जब हम करते हैं तो झड़ता नहीं, चुप रहे तो हम उसको ठीक करेंगे, मिलते हैं ठीक करते के बाद। पाउडर से सेट कर दो इधर आगे दो। अब मैं ब्लश करूंगी। ऐसे लगाते हैं मुझे तो बताइए था। आपको पता है जब हम छोटे थे हमारे पास मेकअप नहीं होता था। आगे बताती हूँ, फिर हम क्या करते थे लिपस्टिक से यहाँ शैडो बना से ऐसे करा करते थे, लिपस्टिक से यहाँ आई शैडो वगैरह वगैरह करके ऐसे ऐसे करते करते थे। और चलो अब हमारे पास सब कुछ है। इसको लिक्विड लिक्विड ब्लश कहते हैं जो मैं लगा रही हूँ, तो ये हम यूज करेंगे। इसको स्प्रेड करते हैं, ला पहला ली, ये देखो ये देखो लिक्विड ब्लश लिक्विड ब्लश थोड़ा ठीक करना वो थोड़ा इससे ठीक होता है, ज्यादा लग गया जाए लिक्विड ठीक हो गया। तो अब आई लाइनर की बारी है। दिया गया इसको मस्कारा मेरा वो लगाने वाला का है वो गिर रखा है तो ऐसे लगा दे लग जाते हैं डंडी से लगता है। बैंग बैंग ये हुआ है हमारे मेकअप का हाल। जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्या इसने क्या किया, मैं बताती हूँ आपको। सॉरी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके ना आईलाइनर लगा दिया और उसके बाद मैंने इसको बोला कि आंख बंद करके रखी, उसने आंख खोली और वो सारा का सारा ऊपर लग गया भाई। मैं उसको ठीक करने गई और वो और खराब हो गया। देखो गाइस इसने मेरे मेकअप करे हुए का क्या हाल करा है। खत्म कर देती हूँ, लास्ट चीज रह रही है लिपस्टिक रह रही है, लिपस्टिक लगा के इसका चैलेंज खत्म कर दो। गाइज ये इसका लुक। वैसे तो मैं अच्छा कर रही थी, देखो आंखों के पास में आंखें बंद कर, मैंने बहुत कोशिश करी और मेरा अभी बहुत काम रहता था आंखों में, बट इसने जो आज किया ना मैं कभी नहीं भूलूंगी वो। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एकदम फ्लॉप था। मैं अगर ये ना करती ना वो तो एकदम मस्त, मेरा इतना अच्छा मैंने गाइज कोई जान बूझ के नहीं किया, मेरे को वो मस्कारा देख के हंसी आ गई तो मेरी आंखें खुल गई।
बट ये वाली आई को अच्छा लग रहा है तो इसके हम प्लस पॉइंट देंगे। आप इसको जज मत करो, इसको इतने को जज करो, बस इतने को। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल फॉर माय न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। एंड अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो मिल ही जाएगा क्योंकि मेरे को भी तो करना है ना। मैं भी नहीं मुझे भी अपनी स्किल्स दिखानी गाइस आपको, मैं करूंगी। पार्ट टू आएगा बहुत जल्दी। अब हम लाएंगे ब्लाइंड मेकअप पार्ट टू, ब्लाइंड मेकअप, बिकॉज इस बार हमारे पास ज्यादा सामान आ गया, इस बार हम पार्ट टू करेंगे। ओके, ब्लाइंड मेकअप पार्ट टू, वेट करना। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, घर पे रहो, है ना। यस, बाय।